सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नौकरी का वीडियो लेके आया हूँ। आप देख लीजिए नौकरी होता क्या है। जो आपस में ये जो घुटने हैं आपके, ये जो टच होते हैं ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं नौकरी। घुटनों को आपस में टच होना नौकरी कहलाता है। अब इस ये समस्या है आपके लिए, इस समस्या से कैसे निपटे और मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से आप देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर कितने दिन में बंद वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जन्मजात बीमारी नहीं है, ये जन्मजात समस्या नहीं है, ये जन्म के बाद होती है। आपको पता नहीं चलता जब आपस में घुटने टकराने लगते हैं, आप कहीं वीडियो देख लेते हैं तो आपको पता चलता है कि नौकरी है। ठीक है, तो इससे अगर आपको बचना है तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। और एक्सरसाइज आप 2 दिन करें, 15 दिन करें, 20 दिन करके मेरे को कॉल नहीं करें कि सर मेरा नौकरी ठीक नहीं हो रहा है, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि नौकरी को होने में कितना समय लगा है, आपने अपना पूरा सिस्टम तो बिगाड़ दिया है। अब कम से कम उसको आपको समय देना पड़ेगा, 5 से 6 महीना ज्यादा जिसको नौकरी है। और जिसको हल्का सा है, जो 16-17 साल का है, उसके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो आदमी आराम से इसको ठीक कर सकता है। क्योंकि उसका हड्डी थोड़ा इतना पका हुआ नहीं रहता है, इसलिए वो जल्दी इम्प्रूव कर लेगा। तो आप कम से कम 2 से 3 महीना अच्छी मजबूत से मेहनत कर लीजिएगा, बहुत सारों का नौकरी ठीक हुआ है, आपका भी ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पहुंचेंगे स्क्वाट, जो अपन स्क्वाट लगाते हैं, देखिएगा हल्का सा, पहले कुछ नहीं करना है, ऐसे करके पांव रख देना। ये एक्सरसाइज आप दौड़ने के बाद या दौड़ने के पहले कभी भी कर सकते हैं। और हल्का सा ये टो है, इसको बाहर करना है और डाउन अप होना है, देखिएगा ऐसा। ये डाउन अप होना है, ये टो बाहर रख के करना है, ये वाला। अब ये फर्स्ट स्क्वाट हो गया। हम अब फर्स्ट स्क्वाट क्या, 3-4 ही नहीं मारना है आपको, कम से कम 3 सेट मारना है। एक 30 का मार लिया पहली बार आपने, 30 लगा लिया, आपकी क्षमता के अनुसार 30 लगाओ, 35 लगाओ, 40 लगाओ। कोशिश करना दूसरी बार भी आप 30 लगाने की, दूसरी बार, तीसरी बार भी कोशिश करना है 25 लगाने की। ऐसे 3 सेट आपको लगाने हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए, फिर एक और स्क्वाटी है, उसको कुछ नहीं करना है, ये पूरा पांव फैला लेना है, पूरा खोल लेना है टो को, देखिएगा इधर पांव, देखिएगा ये आप इसको खोलेंगे तो ये घुटने बाहर की ओर जाएंगे, जितना घुटने बाहर की ओर आप भेज सकते हैं उसको भेजना है, देखिएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, सामने हाथ भी रख सकते हैं, तो दोस्तों इसको भी आप 3 सेटों में करना है, 3 शिफ्टों में करना है, 3 बार आपको स्क्वाट लगाना है। 30 लगा लिए, फिर 25 लगा लिए, फिर 20 लगा लिए। आप ध्यान दें, मेहनत कंटिन्यू करें, तो आप निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब हम अगला एक्सरसाइज जा रहे हैं, पैरों का जो लचीलापन वो भी दूर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग जाएंगे, देखिएगा, जैसे बाएं पैर पे बैठे, सॉरी दाहिने बैठा हूं मैं, तो ये पंजे देखो आसमान की ओर है पूरा, ये फिर पकड़ना है, टच मारना है, होल्ड करके रखना है इधर, फिर हुए ये, फिर इधर होल्ड करके रखना है, पूरा टच करके, सॉरी ऐसे गए, और इसको भी 3 शिफ्टों में मारना है, पूरा चलने देना, देखो ये एक्सरसाइज कर लिया। ये आपको कम कम इसलिए करके बता रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे, और आप अधिकतर लोग पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं, समय कम रहता है आदमी के पास। हम आगे पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे खड़ा होना है, यहां से ये पूरा मारना है, ये लेग चेंज कर लेना है, बैलेंस नहीं बन पा रहा आप किसी का, ये मार लिए, रुकिए,
दोस्तों हम पांचवे एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको उसको बोलते हैं बटरफ्लाई। उसको पूरे पांव को ऐसा कर लेना है। देखो ये वाला पोजीशन, ये वाला लिया आपने शुरुआत में, ये पूरा इधर खींच लिया आप और धीरे 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 जाने दो ऐसे करके, ये जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई। आप ये जैसे ये वाला पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको धीरे धीरे ये चौड़ा करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा इसकी। दोनों हाथों को कस के पकड़ना है, अंदर की ओर खींचना है। ये आपके अगर नी पे लोड आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, तो आप सही कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पांच एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, निश्चित ही आप यदि कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो आप सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।